हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव, और आप सबका स्वागत है हमारे और आपके ये जो चैनल है प्यारा से डिजिटल प्रणव ठीक चैनल। इस चैनल में तो इस वीडियो में हम लोग मतलब बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, अपकमिंग कुछ पावरफुल स्मार्टफोन्स के बारे में जो नवंबर में आने वाला है। दो प्रोसेसर के साथ मोस्टली नवंबर में स्मार्टफोन आने वाला है 2024 के। एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट AKA 8 जनरेशन 4 एंड जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400। तो ये दो प्रोसेसर के साथ कई सारे मतलब रति मारती धुरंधर स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, जिसके बारे में विस्तार में थोड़ा बात करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ कि अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, अगर आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के साथ, तो ये जो लिस्ट है आपका काफी ज्यादा काम आने वाला है। बाकी इन्फॉर्मेशन अपग्रेड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप इस वीडियो में टिके रह सकते हो। तो नंबर वन पे हम लोग बात करने वाले हैं Realme GT7 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का आपका टेलीफोटो कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, ये सब देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का भी देखने को मिल जाएगा कैमरा। ये जो है ग्लास बैक, एल्युमिनियम फ्रेम मतलब मेटल फ्रेम एंड ग्लास फ्रंट जो है, क्वाड माइक्रो कर्वेचर डिजाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2K का मतलब डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको जो है बाकी सब कुछ प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे बैटरी भी आपको जो है ना 6500 देखने को मिल जाएगा, विच इज मतलब लिटिल बिट इम्प्रेसिव, क्या शॉकिंग भाई। 6500 mAh मतलब 7500 mAh कम है, और उसके साथ 120W का चार्जर। तो आप लोग समझ सकते हो ये वाला जो स्मार्टफोन है, ये वाला स्मार्टफोन सीरियसली हार्डकोर गेमर्स के लिए बनेगा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो है स्मार्टफोन है Xiaomi 15 सीरीज जो है Xiaomi का नंबर सीरीज। तो Xiaomi 15 का बात करेंगे, ये एक 6.36 इंच का एक डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पे आपको जो है 1.5K 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये डिस्प्ले ऑब्वियसली सैमसंग नहीं बनाएगा, BOE बनाएगा, बेजिंग बेस्ड जो है, चाइनीज बेस्ड जो है डिस्प्ले कंपनी। यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे LPDDR5X UFS 4.0 देखने को मिल जाएगा। 12GB एंड 256GB एंड 512GB का वेरियंट देखने को मिलेगा। कैमरा यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, लाइका का जो है आपका मतलब ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ये स्मार्टफोन काफी सीरियस होने वाला है, और 5400 mAh का मतलब बैटरी विथ 90W का जो है चार्जर। तो हम लोग बोल सकते हैं देखो गाइस, ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, ये वाला स्मार्टफोन सीरियस गेमर्स के लिए नहीं, डिसेंट गेमर्स के लिए एक कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन, जो लोग कैमरा फोटोग्राफी पसंद करते हैं उन लोगों के लिए, और लाइका का जो फोटोग्राफी है मतलब मोनोक्रोमिक थीम होता है वो भाई काफी ज्यादा फेमस होता है भाई, काफी ज्यादा सही होता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन यहाँ पे है Asus ROG Phone 9 एक ऐसा चीज है मतलब Asus ROG Phone 9 को आप गेम दे दो, जैसा सीन होगा ना, इस रोनी को लड़की दे दो ऐसा सीन होगा। हाँ भाई रोनी, नहीं भाई रहने दे, वीडियो खराब करने का हरामी। तो Asus और मजाक से हटके Asus ROG 9 जो है सुनने में आ रहा है 6000 mAh का बैटरी रहेगा, 3000 बीच में SOC, ऐसा ही होता है Asus में हर साल। एंड इस बार Asus ROG जो है 9 सीरीज, ये और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा साइज में, मतलब कॉम्पैक्ट क्या मतलब प्रीवियस जनरेशन से छोटा हो जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का समिट में इसे शोकेस किया गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल जाएगा इस बार। एंड Asus का जो है ना, काफी इंडियन लोग इसका बदनामी करते हैं भाई, इंडियन यूट्यूबर्स, तो उस हिसाब से देखते हैं शायद इस बार बदनामी करने का कोई जगह नहीं बचेगा। बाकी यूट्यूबर्स के पास जिन प्रोडक्ट का पैसा नहीं आता उनके तो खैर वो लोग बदनामी करते ही है। पेटीएम पर 5000 रुपए प्राप्त हुए। जो भी हो, मजाक से हटके अभी बात करते हैं OnePlus 13 के बारे में। OnePlus 13 एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन हो सकता है, एक गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है, ये भी 8 एलीट के साथ आएगा। यहाँ पे आपको जो है 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, LPDDR5X UFS 4.0, 5000 mAh का बैटरी विद 100W का जो है चार्जर। भाई OnePlus का मैं पर्सनली फैन तो नहीं, पर मैं यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा OnePlus का डिवाइस ही मेरे पास है, ये OnePlus में रिकॉर्ड हो रहा है। OnePlus का मेरा एक 7 था जो टूट गया, OnePlus का पैड मैं यूज करता हूँ, OnePlus के साथ थोड़ा है रिश्ता। तो जो भी हो, OnePlus 13 देखते क्या होता है भाई, आशा करते बहुत बढ़िया होगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 एंड OxygenOS 15 रहेगा। बाकी OxygenOS 15 का अपडेट मेरे पैड में जब भी आता है तब मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, कर दो, आपका कोई लॉस नहीं है, हमारा फायदा ही फायदा है, ठीक है। और आपका फायदा है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देखे इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्म करता रहूंगा, जो काफी बढ़िया है भाई, राइमिंग बन गया ना,
इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म। नंबर फाइव पे ओप्पो फाइंड X8, ओप्पो फाइंड X8 एक मतलब थोड़ा नंबर गेम्स खेलते ये लोग, देखने में सुंदर होता है, कैमरा अच्छा होता है, 6.8, बाप रे बड़ा साइज होने वाला है, 6.82 इंच का 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 8 LED देखने को मिलेगा, 5000 mAh बैटरी विथ 120W का चार्जर, भाई मुतरे जाओगे उससे पहले चार्ज हो जाएगा। 50+50+50 का यहाँ पे ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, पेरिस्कोप टेलीफोटो देखने को मिल जाएगा इस वाले फोन में, अभी देखते थे क्या से क्या रहेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको जो है चाइना में ओरिजिन ओएस रहेगा, यहाँ पे कलर ओएस रहेगा, कलर ओएस का लेटेस्ट वर्जन रहेगा एंड्रॉइड 15 रहेगा। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है वीवो X200 Pro, भाई इसके बारे में मैंने विस्तार में थोड़ा वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, आप लोग ये सारे वीडियोस चेक कर सकते हो जाके मेरे चैनल में, तो डिजिटल प्रणव चैनल में आप ये सारे वीडियोस चेक कर सकते हो। वीवो का X200 Pro, वीवो X200 Mini, मिनी सीरीज है यहाँ पे, प्रो है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन्स, अल्ट्रा शायद 8 LED के साथ आएगा, जो अभी नहीं है 2025 में आएगा, क्वार्टर वन में शायद या फिर क्वार्टर टू के शुरुआती दौर में। तो ये जो स्मार्टफोन है ना वीवो का, ये जो सीरीज है, ये सीरियसली मैं फोटोग्राफी के मामले में मेरे को लगता है ना ओप्पो से ये लोग आगे है थोड़ा, ओप्पो के जगह पे ये ज्यादा अच्छा खेल रहे मेरे हिसाब से। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन लिटरली कई जगह पे जब आप घूमने जाते हो, कोई ओकेशन होता है कहीं पे होता है ना, ये DSLR को रिप्लेस कर सकता है। बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल जो फोटोग्राफी होता है वो DSLR से लिया जाता है, बाकी इस तरह के परफॉर्मेंस देने वाले डिवाइस जो है ये DSLR को कई जगह में रिप्लेस कर सकता है। तो खैर जो भी हो दोस्तों, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, जो नवंबर में डिवाइस आ सकता है, आने वाला है इन सारे डिवाइसेस के ऊपर। मैंने कई सारे डिवाइसेस का नाम ले लिया यहाँ पे, और आपको अगर कुछ भी कहना है इन सारे मामलों में, इन सारे डिवाइसेस के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, तो आप कमेंट में बोल सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र में शेयर कर सकते हो। बाकी धन्यवाद।